नमस्कार कोरोना परामर्श को आपन को स्वागत करूछि मु स्मृति लग्ना। राज्य रे धीरे धीरे कमुछि कोरोना आक्रांतों को संख्या, टेस्टिंग बढ़ुछि, से अनुपात रे कमुछि पॉजिटिविटी हार। पूर्वरु जहां 25% रहिथिला तहा बे 18% रे पहुंचिलानी। ट्रेंड को देखिले मे मास शेष सुधा संक्रमण कमिबार संभावना रहिछि बोली मत प्रकाश पाइछि। विशेषज्ञ माने निजर मत रखिछन्ति। सेभले बे गां रे संक्रमण को नै चिंता व्यक्त करिछन्ति विशेषज्ञ। गां लोक थंडा काश ज्वर हेले डाक्तर को बिना परामर्श रे औषध खाइ दउछन्ति। सेमाने एभले भूल न करबा पई विशेषज्ञ माने अनुरोध करिछन्ति। एभले परिस्थिति रे आपण कोन करिवे कोन न करिवे, थंडा काश हेले डाक्तर खाना जिबे ना घरे रही तार उपचार करिवे, ए प्रसंग रे हमर स्वतंत्र आलोचना कोरोना परामर्श। ए बाबद्रे अधिक आलोचना करबा पई डॉक्टर आम सहित जोड़ी होईचंती डॉक्टर मनोज साहू, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट आम सहित जोड़ी होईचंती। डॉक्टर साहू स्वागत करूछी आपनको अर्गस न्यूज को। प्रथम कथा होची गां गहळी रे लोक माने निज स्वास्थ्य को अवहेला करितांती। प्रथम कथा होची टेस्टिंग रो हार गां रे कम। द्वितीय कथा होची सेवाने मन इच्छा औषध खाइ दियंती। आकु ने आपन कोन परामर्श देबे? नमस्कार। गोटे जिंस आमे जानिचो एबे पर्यंत जदि कोरोना को प्राथमिक अवस्था रे आमे चिन्ह परिबु, प्राथमिक अवस्था रे चिकित्सा करि परिबु, ताहले आमे सुस्थ हे जिबु, कोनोसी असुविधा हेबो नाही। तेनु जदि कोरोना रो लक्षण अछि, आमे टेस्ट करू ना हो, चिकित्सा विलंब करूछु, ताहले कोन देखा जाउछि ना सेमाने सीरियस होउछंती, लक्षण बढ़ी जाउछि, तांको आईसीयू रे रखिया पई पडुछि, बहुमूल्य जीवन को मध्य बंचै होउ नाही। तेनु जो मानक पखरे लक्षण अछि, एबे देखंतु प्रथम लहर रे गाँ गंडा बेसी एफेक्टेड हो नथिला। आदिवासी अंचल रे प्रथम लहर रे इन्फेक्शन पहुंची नथिला, द्वितीय लहर रे इन्फेक्शन पहुंचिलानी, इन्फेक्शन बढ़ुची। तेणु गाँ गंडा रे जोठी भी इन्फेक्शन अछि बोली आमे सस्पेक्ट करूचु, लक्षण अछि, इमीडिएटली परीक्षा करंतु। सरकार पर्याप्त व्यवस्था करूछंती, परीक्षा करिबा परे जदि पॉजिटिव आछि इमीडिएटली चिकित्सा करा जाउ, आपण भल हे परिबे। तेणु इम्पोर्टेंट जिनस होउची कोन, लक्षण आसीबा मात्रे लुचांतु नाही, परीक्षण करांतु आउ चिकित्सा करांतु। चिकित्सा कले आमे समस्ते भल हे परिबु, कारण कोरोना कहाकु चिन्हु नाही, कोनोसी वयसर कोनोसी वर्गर लोकंकु चिन्हु नाही, समस्तंकु इन्फेक्ट करूछि, समस्तंकर परे चांस अछि जे इन्फेक्शन परे तंको रोग बढ़ी जाई परे, तेणु विलंब करंतु नाही, अवहेला करंतु नाही। डॉक्टर साहू, लोक माने अवहेला हुए तो एथि पई मध्य करूछंती, किछि क्षेत्र रे से माने देखिबा को मिलुछंती जे ए सिम्पटोमेटिक देखिबा को मिलुछंती, किछि किछि जणो कोरोना संक्रमित होई भलो मध्य हे जाउछंती, तेणु से माने कोरोना रो भयावहता को बुझी पारु नांती। अनेक क्षेत्र रे अनेक लोकंकर जीवन जाउछि, अनेक लोक मृत्यु हार रे पडुछंती, एवं से मानंकु निश्चित भाव रे सचेतन रहिबार आवश्यकता अछि, एवं ए सचेतनतार वार्ता पहुंचाइबा पई आमको कैंप मध्य करिबार आवश्यकता रहुछि। निश्चित भाव रे अपन जो कोरोना रो भयावहता विषय रे जानती, आपण देखंतु एबे भी आमो देश रे मृत्यु संख्या बहुत कमी नाही। जदि मु तुलना करिबि मे मास 21 तारीख पर्यंत मृत्यु संख्या आम भारत रे थिला 83,000 रु बेसी। जदि कंपेयर करिबि एप्रिल मास संगे रे, एप्रिल मास रे थिला 48,000। जदि मु तुलना करिबि प्रथम लहर रो सेप्टेंबर मास रे जो समय रे इन्फेक्शन सबुटो पीक रे थिला, सेतेले मृत्यु थिला मात्र 23,000। से समय रे 23,000 को एबे आमे 83,000 टपिलुणी मृत्यु बढ़ी बढ़ी चलीछि। तेणु कोरोना रो भयावहता को आमको बुझिया पई पड़िबो। द्वितीय लहर प्रथम लहर टू संपूर्ण अलग, द्वितीय लहर भयंकर भाव में व्यापी चली, इन्फेक्शन बढ़ुची, बहुत लोक को आम बचे पार ना, से भयावहता को बुझेबु कहीं ना। द्वितीय लहर में इवन यंग लोक छोट पिला माने मध्य इन्फेक्टेड होती, एमती भी आम देखु जो मैंने होम आइसोलेशन रे अच्छा, जो मैंने निज लक्षण को अवहेला कर, बहुत लोक एवं हॉस्पिटल को आईसीयू को आसुचंती, किछि मूल्यवान जीवन को हमें बचे पारु ना। जो जिनस कहले सचेतनता, आप देखंतु जो राष्ट्र सफल होती जो लोके सचेतन अच्छा लोकंकर सहयोग मिल पारी, एबे देखंतु गां गंडा रे इन्फेक्शन बढ़ी चली, आदिवासी अंचल रे मध्य इन्फेक्शन बढ़िवार लगिलानी, सरकार को तरफ रु प्रचेष्टा करा जाउछि। एबे देखंतु आदिवासी अंचल रे कम्युनिटी रेडियो आरंभ करा गलानी, 81टा गांव रु
51টা গাঁরে সেমানে মাস্ক পিঁধিয়া মধ্য আরম্ভ কলে তেণু যে সচেতনতা কথা কুমার আপন মানে বহুত সচেতনতা পাই চেষ্টা করছেন কিন্তু সমস্ত অনুরোধ যে সচেতনতা খালি সরকার বা আপন মানে চেষ্টা কলে যে সচেতন হয়ে যাবে সেমিতি নুহে প্রতি এরিয়ারে প্রতি কমিউনিটি কমিউনিটি লিডর মানে যে এরিয়ারে লোকে অনেক সেমানে সহযোগ করা দরকার বর্তমান লকডাউন সময় গাঁরে তাস খেলার নজর আসুচি সে লোক মানে জানুছন্তি যে করোনা কেতে ভয়াবহ রূপ নেইছি প্রতিদিন সেমানে খবর কাগজ পড়ুছন্তি প্রতিদিন সেমানে নিউজ দেখুছন্তি তারপরে বি এমিতি খামখেয়ালি মনোভাব প্রতিপোষণ করিবা নিশ্চিত ভাবরে নিন্দনীয় কথা নুহ কি নিশ্চিত ভাবে খালি নিন্দনীয় নুহে দেখন্তু এবে আমি কোন করুচু যে করোনা মহামারী ব্যাপি চালিছি আমার চেষ্টা রয়েছে কেমতি বহুমূল্য জীবন কু বঞ্চাইবু আমি নিজে বঞ্চি রহিবু পরিবার বর্গকু বঞ্চি রাখিবু ওড়িশাবাসী ভারতবাসীকু বঞ্চাইবু আপনি যে মানে এফেক্টেড হইছন্তি যে পরিবার এফেক্টেড হইছন্তি যে মানে মানু নাহান্তি থরে তাঙ্কু কোয়া যাও সে পরিবার সহিত টিকে কথাবার্তা হেবে সে পরিবার সহিত থরে কথা হলে কেতে দুঃখ সেমানে বুঝি পারিবে তেণু যে মানে মানু নাহান্তি এবে কোন করোনা গোটে এপিডেমিক হিসাবে ডিক্লেয়ার করেছেন সরকার করোনা কু মানিয়া পাই পড়িব কারণ করোনা ইনফেকশন খালি জনকু হউনি যদি মু মানু নাহি মো দেহরে ইনফেকশন আসিবা পরে সেই ইনফেকশন হুয়ে তো মতে কিছু অসুবিধা ন করি পারে কিন্তু মু যেতবেলে ইনফেকশন কু স্প্রেড করিবি কিছু বহুমূল্য জীবন মো দ্বারা চালি যিব লিভি যিব তেণু মু সেই সেই জিনিস করিবা কথা নুহে যে মু নিজে এথিরে সহযোগ করিবিনি মু নিজে কোন করিবি ইনফেকশন বড়াইবি আর মু নিজে কারণ হেবি বহুমূল্য জীবন নষ্ট হওয়া পাই তেণু এই সময় সমস্ত সহযোগ করিবা দরকার সমস্ত সিরিয়াস হওয়া দরকার কাহিকি না যদি সমস্তে 4.5 কোটি 5 কোটি ওড়িশাবাসী সহযোগর হাত ন বড়াইবু করোনার ভয়াবহতা বিষয়ে ন বুঝিবু তাহলে কোণ হব দেখুন প্রথম লহর টু দ্বিতীয় লহর কেতে ভয়াবহ পুড়ি আমি কুচু তৃতীয় লহর মধ্যে আসবার আশঙ্কা অ তেণু এই সময় এইসবু জিনিস করা মতে ঠিক নুহ আপনার দেখুন গ্রাম গণ্ডার বহুমূল্য জীবনকে আমি বঞ্চি পু না গ্রাম গণ্ডার স্বাস্থ্য সেবা পর্যাপ্ত নুহ টেস্টিং হোক বা চিকিৎসা হোক তেণু এই সময় গাঁরে যেহেতু ব্যাপি চালিছি এবে দেখুন প্রথম লহর দ্বিতীয় লহর যদি আমি তুলনা করিবু প্রথম লহরের পিক সময় যে ইনফেকশন লা গাঁ গণ্ডার এবে তার 5 গুণা বড়ি গলানি ইনফেকশন গাঁ গণ্ডার বড়ি চালিছি তেণু এই সময় গ্রামের ভাই ভৌণী গুরুজন মানে যদি সচেতন হেবে না যদি নিষ্ঠাপর ভাবে নিয়ম গুড়িক মানিবে না তাহলে আমাকে অসুবিধা হয়ে যাব কিন্তু গোটে জিনিস কহিবি সময়ে অনেক লোক অছন্তি যে মানে হসপিটাল যাবা পাই চাহু নাহান্তি কারণ কিছু থন্ডা হেছি বা কাশ হচ্ছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে হসপিটাল যাই ডাক্তর কো পরামর্শ করিবা এবং বর্তমান পরিস্থিতিরে যেভাবে ভাবে হসপিটাল রে গহলি জমিছি বা লোকমানে যাওন আসুন করুছন্তি তাঙ্কো লাগুছি যে আমি নেগেটিভ থিলে বি সেঠারে গলে পজিটিভ হে যিবো এমিতি এক মানসিকতা ধরি কি সেমানে রহুছন্তি তো বর্তমান পরিস্থিতিরে ছোট থন্ডা হেলে বি সেমানে হসপিটাল যিবা উচিত কি যেতেবেলে করোনার লক্ষণ হচ্ছে করোনার লক্ষণ খালি থন্ডা জ্বর কাশ নুহ আপন দেখুন লক্ষণ ভিতরে বাসনা কমি যা টেস্ট কমি যা মুন্ড বিধিবা তারপরে তন্তিরে ডিসকমফর্ট হবা এমিতি বি দেখা যাচ্ছে স্কিনে প্রবলেম হবা তা ফলরে মধ্যে কোয়া যাচ্ছে পেট পেটরে পেন হবা ভোক কমি যা দুর্বল লাগিবা ঝাড়া হবা এমতি বহুত প্রকার লক্ষণ অছি যদি মু সুস্থ অছি যদি মোর কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যদি করোনা লক্ষণ হয়ে পারে তেমন কোণ করা পড়ব ইমিডিয়েটলি পরীক্ষা করা পড়ব পরীক্ষা সরকার সব জায়গায় উপলব্ধ করেছেন তেমন পরীক্ষা করা পরে যদি মোর পজিটিভ আসছে মু স্বাস্থ্য সেবা সহিত জড়িত হওয়া পাই দরকার দরকার অছি কাহিকি না যদি মোর লক্ষণ বেশি না হসপিটাল যাব দরকার না কিন্তু স্বাস্থ্য সেবা সহিত জড়িত হলে কোণ হব উচিত পরামর্শ মিলিব মতে এবে কোণ করিবা দরকার ঘরে কেমতি রহিবি ইনফেকশন কেমতি স্প্রেড হব না মু নিজের যত্ন কেমতি নেবি মোর লক্ষণ কেমতি পর্যাপ্ত ডাক্তার অছন্তি তো যো মানক সহিত গাঁ গহলির লোক মানে ফোন করিবে কথা হেবে নিজের সুবিধা অসুবিধা সমস্যা জনেবে তা পাই পর্যাপ্ত ডাক্তার অছন্তি তো গাঁ গহলি মানকরে গাঁ গহলি মানকরে মধ্য আপনার দেখুন গতকালের যে তথ্য অছি পর্যাপ্ত ডাক্তার স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা করিবারে সরকার প্রচেষ্টা করেছেন প্রতি গাঁ গহলি মানুষ ডাক্তার মানুষ বিভাগ বন্টন করা যাইছি সেমানে মধ্যে গাঁ গহলি কু ফিজিক্যালি গলেনি লোকমানক সচেতনতা কেমতি সৃষ্টি হব তাঙ্ক পরীক্ষণ কেমতি হব প্রথমে তো রেসপন্স বহুত খারাপ ছিল লোকমানে রেসপন্স করুনথিলে এবে রেসপন্স আস্তে আস্তে ভালো হউছি বড়ুছি
आ सरकार प्रचेषार प्रति गाँ गहली प्रति एरिया रे प्रति गाँव रे केमती तंकर व्यवस्था हे परिवो तंकर लक्षण चिन्ह जाई परिवो से पई व्यवस्था करा जाई छि कोनोसी व्यस्त होबा उचित न किंतु गटे अनुरोध जदि गां गळे रे कहार किछि संदेह आसुचि कोरोना हे थई परे इमीडिएटली परीक्षा करंतु स्वास्थ्य सेवार सहयोग दियंतु व्यवस्था हे छि व्यस्त होबा मते उचित न आपण हॉस्पिटल आसिया पे चाहुना ते ठीक अछि आपण जदि लक्षण बेसी नै न आसंतु किंतु आपण को डॉक्टर को परामर्श करंतु जो स्वास्थ्य कर्मी अछि ताको परामर्श करंतु उचित परामर्श अनुसार चिकित्सा होंतु हेले कोन हबो आपण घरे थाई भी ठीक हेई परिबे किंतु जदि आपण अवहेला करिबे ताहले कोन हबो कि वायरस जोगो माने परवर्ती समय रे सिम्पटम बढी चलिबो जो समय रे असुविधा परिलक्षित होउछ। ओके मु आसिबे आपण को पाको अधिक आलोचना करबा कोरोना बाबत रे अधिक परामर्श मध्ये नबा समय छोट ब्रेक रो ब्रेक परे स्वागत जड़े कलर जोड़ी होती हिंदोल रु जयंत कुमार जे डाक्टर मनोज साहू को सहित आलोचना करबा पई चाहुचंती स्वागत करू छी आपन को अर्गस न्यूज को। हेलो हां जयंत बाबू सुनी पर चंती आज्ञा नमस्कार मैडम। नमस्कार कोन आपन जानबा पई चाहुचंती कोरोना बाबत रे कोन परामर्श डाक्टर कोठु नबा पई चाहुचंती नहीं हमरो से छुट्टी छुआ पई हमरो कोन आमे जतन नबु चाहुचो। अच्छा मेडिकल रे आछबे हां मेडिकल रो माने तंकर केते जत्न मेडिकल जाईथले से तथ्य नवजात शिशु वर्तमान एक कठिन समय गति कर जयंत बाबू नमस्कार आपण का नवजात शिशु घर को बहुत खुशी खबर आपत जत्न ने देखु कोरोना इनफेक्शन समस्त को हो पारे इवेन देखा जाए जो मैंने जन्म हो माँ पेटे अच्छा भी इनफेक्शन होतु मुझको अनुरोध करी नवजात शिशुपी मानते जत्न केमती ने आप देखिए इनफेक्शन केमती कोरोना इनफेक्शन पाखे पहुंचब ना आशेष किसी बेसी जत्न ना दरकार ना जमती नवजात शिशुर जत्न निमती ने माँ को पाखे रे बहुत किसी करवा दरकार नहीं कितना इंपोर्टाट हूँ कौन नवजात शिशु मान देखा जाते गुडा फैमिली मुझे महाराष्ट्र उदाहरण नेबी महाराष्ट्र जो फैमिली रे किसी इनफेक्टेड लोक हो जाऊँगी कोरोना पॉजिटिव हो जाऊँगी फैमिली रे छोट पाकर गुडाए सिस्टम इनवल्व हो मल्टी सिस्टम इनफ्लामेटरी डिजीज तेणु सेमती देखा जा बाहर भारत में तेणु विशेष व्यस्त हवा उचित नुहे आप खुशी से नुहतु खाली देखु शिशु पक्षे आम कमी इनफेक्शन पहुंचब ना और शिशु सुस्थ रुरक्षित र ओके बहुत बहुत धन्यवाद जयंत बाबू कॉल करथिबापई डॉक्टर मनोज साहू को पको फेरियापई चाहेबी डॉक्टर साहू काहेकि ए क्षेत्र रे एमते देखियापई मिलुची जे द्वितीय लहर रे भयावहता बहुत अधिक रहुची लोक माने जानिला बेळकु कोरोना संक्रमित बोली सेमानकर लंग्स इन्फेक्शन बहुत अधिक होय जाउची सेतिपई अल्प वयस्कर लोक माने मध्य अनेक मृत्यु मुखरे पडुचंती केमिति अर्ली स्टेज रे जानि परिबे एवं डाक्टरखाना जाई परिबे कारण वर्तमान तो ए सिम्प्टोमेटिक देखिबा को मिलुची अनेकक क्षेत्र किछि सिम्प्टम्स से देखिबा को मिलुनी। आज्ञा तो बेसिकली हमकु बुझिया पई पडिबो द्वितीय लहर प्रथम लहर टु अलग द्वितीय लहर भयंकर भाव में व्यापी चली द्वितीय लहर भयावहता विषय बुझापी पड़ो द्वितीय लहर में आम जो देखु जो भाईरस आम भावु तथ्य अच्छी जोटा म्यूटेंट भाईरस जोटा बी वन डॉट सिक्स वन सेवेन भाईरस बढ़ी चलु से भाईरस को डब्ल्यूएच वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोली डिक्लेयर करछंती अर्थ हूँ ये भाईरस बहुत शीघ्र संक्रमण कर आम देह को आसवा पर रोगर लक्षण बहुत शीघ्र देख और लक्षण सीरीयस आड़क जीव हस्पिटाल बेसी एडमिशन हे बेस मृत्यु मुखर पड़े ये भाईरस जो ट्रिटमेंट आम दौ प्रथम लहर जमी कम कर आलोचना करवा कि तालचेर जे कलर प्रशांत जोड़ी होती सहित प्रशांत स्वागत अर्गस न्यूज को कौन जानवाप चाहते कोरोना समय बड़ परिवार अच्छे समस्त को कमी बुझे समस्त बाहर को देवे कोरोना सुरक्षित रही
अच्छा आपण आपणको परिवार बड़ो परिवार एवं बुझेबा पई चाहुचंती जे सेवाने किभळि भाबरे बाहर को जिबेनि घरे रहिबे प्रशांत आज्ञा आज्ञा अच्छा मते मते गोटिए कथा कुहंतु जे परिवार रे जेते जण रहिचंती जो माने बाहर को जाउचंती काम पई जाउचंती रोजगार पई जाउचंती ना बिना कारण रे जाउचंती मरे जाउचंती से माने निज निज काम रे जाउचंती हां बाहर को नेहाते काम रे जाउ पडो ड्यूटी बंद न करी अच्छा माने नेहाते काम रे जिबे हां से माने केमिति सतत माने बाहर को वाला कोरोना मुक्त होई के आसीबे से बाबत रे मु सार को पास जाने पर चाहू अच्छा डाक्टर मनोज साहू जहां प्रश्न आपण सुनुथले जे घरे बडो फॅमिली किछि जण बाहर को जाउछंती से माने आसिला परे कोरोना रो भय रहउची जे माने जेतु बाहर को जाइछंती आसिबा परे से माने परिवार रे लोकन को सहित मिसिबा पूर्वरो कोन कोन प्रिकॉशन से माने नेबे किभळे भाबरे से माने निजको सैनिटाइज करिवे अनिष्ट भाबरे प्रशांत बाबू बहुत भलो जिंस आपनकर बडा फॅमिली तेलो निश्चय आपनकर फॅमिली रे वयस्क गुरुजन माने थिबे छोट छोट पिला माने थिबे आ किछ प्रेग्नेंसी भी कहर थाई परे से माने होउछंती हाई रिस्क कैटेगरी रो तंकर सुरक्षा हमरो दायित्व एबे लॉकडाउन चली तेणु निहाती दरकार नथिले आमे बाहर को जीवा उचित नुह आ जी कि इमरजेन्सी काम पई माने नियुक्त अछंती से माने तंकर इमरजेन्सी पई बाहर को जीवा पई पड़िबो ठीक अछि किंतु बाहर को जीवा पई जेतले जाउछंती से माने तंको उपयुक्त नियम कानून मानिया पई पड़िबो नियम कानून पण जेमिति जे मास्क पिंधिया पई पड़िबो बाहर कोठी भी मास्क खलिबेनी कोठी गहळी जगह को जिबे नाही जेतेबेले से निजर इमरजेन्सी काम सरीबा परे घर को फेरिबे घर को फेरिबा समय रे कोन हबो तंको हाथ रे इन्फेक्शन थाई परे तंको ड्रेस रे थाई परे तंको देह रे भी कोठी इन्फेक्शन थाई परे इन्फेक्शन जेतेले थाई परे हमकु देखिया पई पड़िबो तंकर इन्फेक्शन केमिति घर भितरे पसिबो नाही घर भितरे काहाकु स्प्रेड हबो नाही तेनु से कोन करिवे तंको ड्रेस को अलग जगह रे रखिवे तको जो मास्क पिंधिथिबे जदि डिस्पोजेबल मास्क तको डिस्पोज करिबे नियम अनुसार जदि रियुजेबल मास्क तको बाहर रखिबे बाहर जदि रियुजेबल मास्क को रखा जाए से सूर्य किरण पड़िबा परे सेतिरु जीवाणु नष्ट होई जिवे व्यस्त होबा उचित न होय गोटे मास्क को 5 दिन परे आमे व्यवहार करि पारिबु तेणु इम्पोर्टेंट होची कोन सिए घरे अन्नमानक संगरे मिसिबा पूर्वरु तंकर से परिधान को जोटा बाहर पिंधिथिबे तको खलिबे तको डिस्पोज करिबे अलग जगह रे जोटा की अलग कहा ड्रेस संस्पर्श से आसीब नहीं सी निज को क्लीयरली हाथ टू गोड़ जोटा एक्सपोज जगह तको क्लीयरली धोबे जमी प्रोटोकल अच्छे धोबा पर सी आराम रे घर लोक मिसी पारे कि सबुठ इम्पोर्टेंट जिनस कौन होदिंर एक्सपोजर अच्छी बाहर को जाऊँच रिस्क अच्छी जदि कौन लक्षण देखा जाऊँगी सी क्या सागर एक्सपोज होती पॉजिटिव रिपोर्ट आसिला ताहले तंकर परीक्षण करिया पई पडिबो काहे कि जदि कोरोना को प्राथमिक अवस्था रे में चिन्हि पारिबो ताहले कोन हबो से इमीडिएटली आइसोलेशन रहिबे ताको तो इन्फेक्शन ताको स्प्रेड हबो नै ताको मध्ये चिकित्सा करि पारिबो बेसिकली प्रशांत बाबू बहुत कष्ट करिया पई पडिबो नै मोर अनुरोध होउछि जो माने रिस्क ग्रुप अछंती आपनको परिवार रे ताकर जत्न नियतु ताकर सुरक्षा पई चेष्टा करंतु द्वितीय होउछि जो माने यंग लोक बाहर को जाउछंती इमरजेन्सी काम रे से माने बाहर जत्न नियतु केमिति इन्फेक्टेड हेबे नाही आउ द्वितीय होउछि घर को फेरिया पर टिके जत्न देबे सिंपल जिनिस माने जोटा कि सैनिटाइजर हाथ धोइबा गोड़ धोइबा आउ ताको देह को क्लीन करिबा ड्रेस को अलग रखिबा ठीक है सिंपल जिंस करिया पई पड़िबो ओके किछि किछि जिंस प्रति अधिक जत्नपान हेबा को पड़िबो विशेष भाव रे बाहर आसिले सैनिटाइजेशन प्रति अधिक गुरुत्व दबा को पड़िबो जे डाक्टर मनोज साहू कहतले आमे बाबत रे आगो को मध्य अधिक आलोचना करबा बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत बाबू फोन करतले तालचेर एवं निज प्रश्न रे उत्तर पाइथिबे निश्चय समय आ एक ब्रेक रो ब्रेक परे कोरोना बाबत रे आ किछि परामर्श जणेबो आपनको ब्रेक पर स्वागत आम डाक्टर मनोज साहू को सहित लगातार भाव में आलोचना करुचु एवं कोरोना बाबद आपण परामर्श जानी जाजपुर जन कलर अच्छा शरत फोन कर हेलो नमस्कार कौन आपण को प्रश्न र अगेन टीवी रो वॉल्यूम कम करे पई अनुरोध रहिबो आपण को कथा में क्लियरली सुनी परबो कोन प्रश्न रहिबो डाक्टर को पई से परामर्श दबा से में परा नबल चांस आपण नबा पई डाक्टर को परामर्श आपण नेबे ना आपण कोन चाहू चंती पचारीबा पई कोन परामर्श आपण को दरकार रहिछ बा कोन प्रश्न आपण को रहिछ आज्ञा आज्ञा आमे गोटी परिवार रे पांच जण अछू हां पांच जण अछू त आमे घरे रहतले बेले
ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବୁ ନା ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ଆମର ଯେହେତୁ ମାନେ ଘର ବହୁତ କମ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ପରାମର୍ଶ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଦୁଇଟା ମୋର ଦରକାର। ଡାକ୍ତର ମନୋଜ ସାହୁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଥିଲେ ଶରତ ଯାଜପୁର ଯିଏ କଲର ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଘର ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବା ଶୋଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କ'ଣ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ଠୁ ନେଇପାରିବେ? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଘରେ ରହିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି କି? ଶରତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ବହୁତ ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପରିବାର ବର୍ଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଘର ଭିତରେ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି କେହି ଜଣେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି କୌଣସି ପଜିଟିଭ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଡିକୁଏଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହଉଛି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ଯଦି କେହି ଇନଫେକ୍ଟେଡ ନୁହନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ। ଯଦି କେହି ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଇସୋଲେସନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବା ଯଦି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଅଲଗା ବର୍ଗର ଲୋକ କେମିତି ଏକ୍ସପୋଜ ହଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏକ୍ସପୋଜ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡାକ୍ତର ମନୋଜ ସାହୁ, ଆମକୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିଲା। ସମୟ ହୋଇଛି, ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।